हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू बबीताज ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है ट्यूजडे 11th ऑफ जनवरी और आज मैंने आप लोगों के साथ मेरी मकर संक्रांति की शॉपिंग जो है वो शेयर करने वाली हूँ। और मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि शेयर करूँ पर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये जो वीडियो है मुझे बैठ के शांति से बनाने का था और मिहिर जो है वो मुझे डिस्टर्ब करते ही रहता था किसी न किसी कारणवश। तो अभी फिलहाल उसको मैंने खिला पिला के ऊपर जो है पुप्पू के पास मैं उसको भेज दी हूँ, तो वो थोड़ा देर खेलेगा और तब तक मैं जो है ये अपना जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो उसका मैं एक छोटे सा वीडियो बना लेती हूँ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ताकि वो फिर आना जाए। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये कुछ साड़ियाँ दिखाऊंगी जो मैंने अपनी मम्मी और दादी के लिए लिया है, और पापा लोगों के लिए हम लोग नहीं ले पाए हैं इस मकर में, तो वो लोगों के लिए हम लोग बाद में लेंगे। तो जितना भी शॉपिंग हो पाया है वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को मेरी मदर इन लॉ का जो साड़ी है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, जो ज़्यादातर अभी यही फैशन में चला है ये वाला साड़ी सिल्क पैटर्न में है। तो ये वाला साड़ी मेरी मदर इन लॉ का है। आप लोग मेरे आने वाले ब्लॉग में जो है मेरी मदर इन लॉ को पहने हुए आप लोग देख लेंगे, इसलिए मैं आप लोगों को पहन भी नहीं दिखा रही हूँ। बस देखिए कलर इसका पर्पल, हाँ पर्पल कलर है ये। और फिर इसके बाद जो है मैं आप लोगों को मेरी साड़ी दिखा रही हूँ। और ये देखिए, और पता नहीं मेरा जो एक कलर है ना, देखिए पिंक, वो ज्यादा मैं पिंक की फेवरेट हूँ, तो मुझे ज्यादातर ऐसे कलर पसंद आ जाते हैं। मतलब अगर कोई मुझे दूसरे भी कलर दिखाएगा ना, और अगर ऐसा कलर मेरे सामने आ जाता है तो मेरा जो नजर है इसी कलर पे चल जाता है। मुझे ये लेना ही लेना होता है, चाहे मेरे पास जितनों भी इस कलर की साड़ियां हो चाहे ड्रेस हो, लेकिन कलर जो है मेरा ये फेवरेट है। इसीलिए आप लोग देख सकते हो कि मैं पूरी पिंकी दिख रही हूँ। तो ये पूरा प्लेन साड़ी है और बस नीचे जो है ये बॉर्डर लगा हुआ है, और ये देखिए इस तरह से एक बॉर्डर है और बाकी पूरा प्लेन साड़ी है। तो आने वाले ब्लॉग में आप लोग अगर मेरे जो भी व्यूअर्स हैं प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरे आने वाले ब्लॉग में मैं ये साड़ी पहने हुए आप लोगों को दिखूं। तो ये रही मेरी साड़ी। और फिर ये है, ये कॉटन की साड़ी है और मेरी जो माँ है उनको कॉटन साड़ी पसंद है ज्यादातर, तो उनके लिए मैंने लिया है कॉटन साड़ी। और ये भी है पिंक कलर में, वो मैं बता रही हूँ ना आप लोगों को, अगर मेरे पास पिंक कलर आ जाता है और वो अच्छा चीज है, मतलब मुझे पसंद आ जाता है तुरंत से, तो इसीलिए मेरे पास अधिकतर चीजें आप लोगों को पिंक ही मिलेंगी। तो इसी से आप लोग पता कर सकते हो, देखो मैंने मम्मी के लिए भी पिंक कलर का ही साड़ी चूज किया है। तो ये रही मेरी माता जी के लिए, और ये साड़ी है ये भी कॉटन की है और ये येलो में इस तरह से पतला प्रिंटेड बॉर्डर टाइप में है। तो ये साड़ी जो है मेरी दादी के लिए है। तो ये हो गई हमारी साड़ियों की शॉपिंग। तो ये देख, यहाँ पर है मेरी दोनों मम्मियों के लिए, दादी के लिए और मेरे लिए। तो ये रही जो मतलब हम लोग मतलब लिए हैं साड़ियाँ मकर के लिए। और फिर आप लोगों को और मैं दिखा रही हूँ, ये दो है मिहिर के लिए। ये अभी जो विंटर है तो विंटर के हिसाब से हमने लिया है विंटर। तो ये एक स्वेट है मिहिर का, इसे ऐसे ही है ये दोनों ही, जो ये बस कलर अलग है ये। तो ये एक स्वेट है मिहिर का शर्ट, और फिर ये पैंट, और इसमें एक छोटा सा बनाया हुआ है स्माइली फेस। तो ये मुझे अच्छा लगा कलर, और इसका पैंट और सेम ही है ये वाला जो है सेम है, बस कलर इसमें नेवी ब्लू एंड व्हाइट का मिक्स कलर। और ये जो ग्रीन कलर का जो मैं यहाँ पर कुर्ती आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये कुर्ती जो है मिहिर की नानी की तरफ से मुझे मिला है। तो ये उनके तरफ से मैंने मतलब मम्मी जो है पैसा दे दी थी, तो मैंने कुर्ती लिया है क्योंकि साड़ी मेरे पास था। तो मैंने एक ये फ्रॉक कुर्ती या जो मतलब गाउन टाइप में है, पूरा घेर वाला है अम्ब्रेला कुर्ती, फ्रॉक कुर्ती। तो ये मैंने एक लिया है मम्मी जब पैसा दी थी उससे। और फिर
इस अभी ना मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ क्योंकि बीच में ना कॉल आ गया था, तो इसी वजह से वो साउंड आ गया था। और ये टी शर्ट है मेरे हस्बैंड के लिए, ये मतलब मेरी मदर जो मतलब मिहिर की नानी है उनकी तरफ से है, तो मुझे मिला था कुर्ती और मेरे हस्बैंड को मिला है टी शर्ट। मतलब मम्मी पैसा दे दी थी तो हम लोग अपने हिसाब से ले लिए हैं। और पैंट जो है हमने नहीं लिया क्योंकि हस्बैंड को छुट्टी ही नहीं मिली, तो फिर हमने वो लेके छोड़ दो, बाद में ले लेते हैं। तो बस एक टी शर्ट ले लिए थे। और ये वाला जो है ये मिहिर के लिए है, ये मिहिर का टी शर्ट है और पैंट है इसमें सेट। तो ये मैं सोच रही ना ये वाला, उसका बर्थडे जो है 13th को है, तो मैं इसको उसका बर्थडे के दिन ये वाला पहनाऊंगी। और बहुत ही अच्छा है, इसमें ब्लू और रेड एंड वाइट कॉम्बिनेशन है। और ये जो पैंट है ये क्रीम तो नहीं, मतलब ऑफ वाइट कलर में ये जो पैंट है, ग्रे कलर, ग्रे भी नहीं है, मतलब ऑफ वाइट कलर में है। और टी शर्ट से मिलता हुआ ये शूज़, मतलब मिहिर की नानी की तरफ से ही है, मिहिर को जो पैसा मिला था उससे ये सारे चीज़ें जो है वो आ गई हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आता है, मेरी मकर संक्रांति की शॉपिंग पसंद आई है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा।